गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अगर आपने कल का व्लॉग देखा हुआ तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। आज हम जाएंगे बीन बैग लेने के लिए। अब हमें दो जगह पता है, एक सिक्स रोड और एक कॉलेज रोड। बीन बैग एक ऐसी चीज है जो कि ऑनलाइन जिसकी अवेलेबिलिटी काफी है, मैंने दराज पे चेक किया, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे चेक किया तो मिल तो जाता है इजीली, लेकिन मुझे आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी क्योंकि मैंने उसको डेली बेसिस पे यूज करना है। बाय द वे, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया? अगर नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गो गेट बीन बैग्स। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बीन बैग लेने के लिए। अब यहाँ पे शदीद किस्म की रश हुई हुई है, शदीद किस्म की, और अभी हम मार्केट में मेरा ख्याल है पहुंचने वाले हैं जहाँ से हमें बीन बैग मिलेंगे। रश मची हुई है यहाँ पे, बहुत खप मची हुई है। ये तो अभी तक तो मुझे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें नजर आ रही हैं, तो अभी तक तो मुझे फर्नीचर कहीं नहीं नजर आया। ये रिक्शा खराब हुआ है, आगे यू टर्न है। अभी हम ये किसी मार्केट में आए हैं, यहाँ पे अभी तक तो नहीं मिला हमें। पूरी मार्केट फर्नीचर की मार्केट है। अभी एक अंकल से पूछा, वो कह रहे हैं कि आप जाएं सिक्स रोड जाएं, वहाँ से मिल जाएंगे आपको। गाड़ी किधर खड़ी की थी? तो सामने गाड़ी खड़ी की हुई है। फाइनली घूमते फिरते सिक्स रोड से होते हुए कॉलेज रोड जाके फिर फाइनली हमें ये दुकान मिल गई। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन जहाँ पे हम पहुँचे थे वो अच्छी जगह थी। ये सारे कलर्स हैं, ये वाला हमें समझ आ रहा है और ये वाला। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रही है, ये ज़्यादा सही है या वो ज़्यादा सही है। इसकी रीफिलिंग हो जाती है? किधर गए भाई, रीफिलिंग साथ मिलता है इसका कोई वो एक्स्ट्रा? फिल कराएंगे ना, लेकिन फिल कराने के लिए दोबारा ना आना पड़े। मैं कह रहा हूँ घर पे रख लूँ मैं वो, जब पूरे बीन बैग पड़े हुए, मतलब फटे बीन बैग हमारा यूज़ में नहीं है, वो उनकी बढ़िया बीन आपको दे देंगे हम। ये वो 2300 रुपये का एक आयत के लिए भी ले जाते हैं, ये वाला ना, इनमें से कोई आयत के लिए भी ले जाते हैं। वो बड़ा है, साइज बड़ा है। उसमें से कौन सा कलर पहले बताओ ना, ताकि वो वाला फाइनल करें, उसके बाद फिर बाकी बताते हैं। ये रेड वाला भी अच्छा लग रहा है वैसे, ब्राउन दे दें भाई। आदिले। और आदिले। ब्राउन में एक ये भी है ना, और एक ये भी है। मैं पता नहीं नया निकाल के देगा या वही वाला निकाल के देगा। ये हम अच्छा, ये डार्क ब्राउन है ना, आई विल लकी टॉयस के ऊपर, ये सेवर फूड्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। अब हमने ना मरे रोड से देखना शुरू किया, पहले हम गए हैं सिक्स रोड से, फिर हम गए हैं कमेटी चौक से भी नहीं मिला, तो फिर हम यहाँ पे आए हैं फाइनली। एक स्टूल भी चाहिए हमें, वो ब्राउन वाला ही, लाइट ब्राउन। माशाल्लाह माशाल्लाह, चैनल का नाम मैं बताता हूँ, मुझे पहले अपनी दुकान का नाम बताएं। लकी टॉय मार्ट है, लकी टॉय मार्ट है। अच्छा, सामने वाली दुकान से मैंने अभी कुछ चीज़ें परचेज की हैं, लेकिन माशाल्लाह ये वाली इधर तो, मतलब बच्चों को अगर आप ले आए तो मैं तो कहता हूँ फिर उनकी तो ईद होगी है, वापस जाएंगे वो, वापस नहीं जाएंगे। ये चेक करें यार, वो आखिरी कोने तक देखें, सैकड़ों हजारों में टॉयज पड़े हैं। अच्छा, ये हमने लिया है ना, ये वाला लिया है ना हमने, जी आयत के लिए जो हमने लिया है, मुझे अभी तक सबसे सही यही लग रहा है। ये खुल जाता है इस पर, वो इजीली टीवी वगैरह देख सकती है। इसमें बड़ों की कुछ भी चीज़ें नहीं है ना। ये चेक करें इनके पास कितना सारा सामान है, माशाल्लाह, लुक एट दिस, जस्ट टेक अ लुक एट दिस। इस साइड पे भी देख लें, यहाँ से स्टार्ट होता है जस्ट जिधर तक आपकी नज़र जा रही है ना, को बच्चों के टॉयज मिलेंगे यहाँ पे। अपना भी एक यूट्यूब का चैनल है, अभी मेरी बात हो रही थी भाई से, भाई कहते हैं कि मेरा अपना भी एक यूट्यूब पे चैनल है, तो हम लोग भी मतलब वीडियोज़ बनाते हैं। इन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, क्या कोशिश करें बच्चों को ना ले गए। सेवर फूड्स
अभी बेन बैग लेके और आयत के टॉयज लेके सारी चीज़ें लेके गाड़ी में रखी हैं, गाड़ी में कुछ साथ ही खड़ी हुई और उससे हो के सेवन फूड पहले मैंने सोचा पैक करा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं घर लेके जाने से बेहतर यही भी खा लेते, खाने के बाद पैक भी शायद करा लूँगा, मुझे रात को भी शायद भूख लगी कि घर पर कोई भी नहीं है। अभी कामरान भाई जा देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना चाह रहे हैं। सिंगल? हाँ मैं सिंगल खा रहा हूँ। दो सिंगल खाना आता है तो आपको दिखाते हैं। सेवर लेग पीस पिंडी से है तो पता होगा क्या होता है, नहीं अगर दूर से कहीं से है तो सेवर फूड देख लेते हैं, बहुत फेमस है हमारे पास यही है खाने का। अभी तक की अपडेट ये है कि हमने एक बीन बैग लिया है, एक फुट रेस्ट लिया है, एक आयत के लिए चेयर लिया है जो कि एक्सपेंड हो जाती है, घर जाके सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। अभी मैं सोच ये रहा हूँ क्योंकि लिविंग रूम में जो हमारा वो काउच पड़ा हुआ है वो कंफर्टेबल नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि एक और बीन बैग ले लूँ पैराशूट वाला। अभी ये जो मैंने लिए लेदर वाला, एक और था पैराशूट वाला, सोच रहा हूँ वो भी ले लूँ, वो 3500 का दे रहा था ऑनलाइन, ये बहुत महंगे थे ऑनलाइन में से, हमने देखे थे कितने तक मिल रहे थे 7000 से अबाउट जो लेदर वाला। हमारा खाना आ गया माशाल्लाह, इसके अंदर है ये चेस्ट पीस, दो कबाब, फेमस सेवर फूड्स का जो है ना जनरल जो इनका एक होता है। आपने कौन सा पीस ऑर्डर किया? चेस्ट पीस भाई ने चेस्ट पीस ऑर्डर किया है, मैंने भी चेस्ट पीस ऑर्डर किया है और साथ हमने एक एक मिंट मार्गरिटा ऑर्डर किया है और ये इनका एक फेमस रायता होता है साथ और ये सैलड होता है। सैलड एक क्यों दिया है इन्होंने हमें, दो नहीं देने चाहिए थे? सोचने वाली बात नहीं। अच्छा कोई नहीं, अभी हम खाना खाएंगे बिस्मिल्लाह करेंगे, इसके बाद आगे टेस्ट टेस्ट करना चाहते हो वैसे टेस्ट सेवन का आपको पता ही है सबको, लेकिन ये कामरान भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको टेस्ट टेस्ट करके बताएं और एक्सप्लेन करेंगे इसमें क्या टेस्ट आता है। सेवर फूड्स क्यों इतना फेमस है कामरान भाई, मतलब जिन लोगों को नहीं पता, जो पिंडी से उनको तो पता होगा, जिनको नहीं पता उनको आप क्या कहेंगे खाने के बारे में, आप ज़्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं? मैं सिर्फ खाना खाने का एक्सपर्टीज हूँ, लेकिन इसका खाने को एक्सप्लेन करने का मुश्किल काम है। चावल तो हम घर पे भी खाते हैं ना, इनके चावलों में क्या खास है ऐसा? ये लाइट फील होते हैं। लोग कहते हैं कि पुलाव, पुलाव तो अब सब जगह मिल जाते हैं, हर जगह जगह पे पुलाव, लेकिन सेवर फूड इतना फेमस क्यों है? क्योंकि ये टेस्टी है। कामरान भाई टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं, मैं भी आपको टेस्ट टेस्ट करके बता देता हूँ। इनका चिकन जो है काफ़ी अच्छे से पका होता है, उसका इनकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है। रायता ये जो है ना, ये मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, आई थिंक ये आई डोंट नो इन्होंने जान के पतला रखा है, यूजुअली आप डिफरेंट जगह पे जाते हैं ना तो ये इतना पतला नहीं होता रायता। तो अभी हम कबाब के साथ एक बाइट लेंगे एंड विल सी हाउ डज इट टेस्ट। जब भी ना आप सेवर करते हैं, अगर आपने नहीं ट्राई किया इसकी टेस्ट, अगेन मुझे कंफर्म पता है कि इनका कोई फार्मूला है, कोई स्पेसिफिक फार्मूला है, जैसे KFC का है, इनका टेस्ट डिफरेंट होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा। इफ़ यू हैवंट ट्राइड सेवर फूड येट, इफ़ यू कम टू पिंडी दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। ये भाई ने माशाल्लाह एक्स्ट्रा चावल मंगवाए हैं पर मेरे ये वाले भी पड़े हुए हैं अभी तक, मैं वो भी ख़त्म नहीं कर सका क्योंकि मुझे आदत भी है उनको खाने की, मैंने आज दो दफ़ा बिल्कुल सुबह खाना खाया, एक तो नाश्ता किया उसके बाद दोबारा से खाना खाया, तो बिल्कुल भी है। हमारे भाई जो है ना माशाल्लाह खा रहे हैं। एनीवेज रात को हम काफ़ी लेट हो गए थे वापस पहुँचते पहुँचते, वापसी पर भी काफ़ी रश थी। हम ये वाली चीज़ें लेके आए, ये तो मैं आई थिंक पहले आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये बीन बैग लेके आए थे, इसके अलावा ये लेके आया था मैं आयत के लिए बिकॉज शी जनरली लव्स ये बनीस और इस तरह की चीज़ें इसको बहुत पसंद आती हैं, तो मैं उसके लिए ये लेके आया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये लेके आया था बीन बैग के ऊपर यहाँ पे एक स्टूल, तो यहाँ पे लेट के मैं यहाँ पे अपने पाँव रख सकता हूँ, तो दैट विल बी गुड। और ये तो आपने आई थिंक कल देखी थी वीडियो के अंदर, मैंने दिखाई थी, ये भी वहाँ से ली थी। तो ये कुछ चीज़ें हम कल लेके आए थे, शॉपिंग की थी। होता ये है कि यहाँ पे मैं ऑफिस में काम कर करके ना मैं थक जाता हूँ, जब बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो मेरा दिल करता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जिस पर कंफर्टेबल हो के मैं बैठ सकूँ और रिलैक्स कर सकूँ। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया कि कल जब मैं वापस पहुँचे तो कामरान का बाइक ख़राब हो गया था, उसकी कोई तार शर हिल गई या कुछ हो गया, तो मेरे घर आया हुआ था वो,
और वहाँ से वापसी बाइक पे जा रहा था तो बाइक का स्टार्ट नहीं हो रहा था, फिर काफ़ी देर उसको ठीक करने में लगी है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा थक गया तो सो गया, पता भी नहीं चला। अभी सुबह उठाऊँ तो इस ब्लॉग की एंडिंग कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। दुआ किया करें हमारे लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू, बाय।